नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, नया साल 2021 आ रहा है। दोस्तों, साल 2021 में घड़ी को एक खास दिशा में भूल कर भी नहीं लगाएं। घड़ी को कौन सी दिशा में लगाना है आज हम इस बारे में बात करेंगे। किस तरह का कैलेंडर लगाना है उस बारे में बात करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसका लाभ प्राप्त हो और इस वीडियो का अनादर भी नहीं हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, नए साल 2021 की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे जीवन में बदलाव छोटी छोटी चीज़ों से ही आते हैं। कई बार एक छोटा सा बदलाव हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। हमारे सामने आने वाली परेशानियां और चुनौतियों की मूल जड़ तक हमें पहुंचना चाहिए और इनके उपाय हमें वास्तुशास्त्र से ही मिलते हैं। आपके घर की दीवार पर लगी एक घड़ी भी वास्तु दोष उत्पन्न कर सकती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। घड़ी ना केवल समय बताती है बल्कि आपका समय भी बदल सकती है। घर में लगी घड़ी आपका भाग्य बदल सकती है। अगर आपके घर में सही दिशा में घड़ी नहीं लगी हुई है और कैलेंडर सही दिशा में नहीं लगा हुआ है तो आपके लिए दुखों का कारण भी बन सकता है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से घड़ी और कैलेंडर आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं और किस दिशा में घड़ी को लगाना चाहिए और किस दिशा में दोस्तों कैलेंडर को लगाना चाहिए। दोस्तों, बंद पड़ी हुई घड़ी दुर्भाग्य का सूचक है। एक कहावत प्रचलित है कि बंद घड़ी भी दिन में दो बार ठीक समय बताती है, लेकिन आपको ये शायद ही पता होगा कि बंद घड़ी आपके भाग्य में कई तरह की विपदाएं उत्पन्न कर सकती है। वास्तु के अनुसार घर में रखी बंद घड़ी आपके जीवन में समस्याओं को पैदा कर सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में टूटी फूटी घड़ी तथा बंद घड़ी दुर्भाग्य का सूचक होती है। इसीलिए आज ही सबसे पहला काम आप ये करें कि घर में मौजूद बंद और टूटी फूटी घड़ी को हटा दें। दोस्तों, हम घर में घड़ी लगाते समय दिशा का ध्यान नहीं देते हैं, जो वास्तु के अनुसार बिल्कुल ही गलत है। गलत दिशा में घड़ी लगाने से आपको आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी, साथ ही आपकी प्रगति भी नहीं होगी। वास्तु की माने तो दोस्तों, घर में दक्षिण दिशा में लगी हुई घड़ी घर का मुखिया सदैव बीमार रहता है। साथ ही साथ दक्षिण दिशा में घड़ी लगने से प्रगति के अवसर भी नहीं मिलेंगे। इस दिशा में घड़ी लगाने से आपकी प्रगति रुक जाएगी और आप आर्थिक रूप से तथा हर प्रकार से प्रगतिशील नहीं हो पाएंगे। अगर आपके घर की दक्षिण दिशा में घड़ी लगी हुई है तो आप उसे तत्काल ही निकाल दें। दोस्तों, आप इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अभी लिख दें। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी दरवाजे के ऊपर घड़ी लगी है तो आज ही आप इसको उतार दें। ये वास्तुशास्त्र के अनुसार सही नहीं है। ऐसा करने से उसके नीचे से गुजरने वाले व्यक्ति पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता रहता है। दोस्तों, वास्तु के हिसाब से घड़ियाँ भी अलग होती है। वास्तु में ये माना गया है कि अगर आपके घर में पेंडुलम वाली घड़ी है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी होती है। इससे लोगों की तरक्की होती है और इस घड़ी को पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। दोस्तों, घर में काले, नीले और केसरिया कलर की घड़ी नहीं लगानी है। ये वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है। इसके साथ ही आपके घर में लगी घड़ी चौकोर और गोल हैं तो इसके शुभ संकेत है। तो दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे तो घड़ी को हम किस दिशा में लगाएं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अब जब आप घर में घड़ी लगाएं तो दिशाओं का ध्यान अवश्य ही रखें। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस दीवार पर आप घड़ी लगा रहे हैं वो दक्षिण और पश्चिम दिशा में नहीं होनी चाहिए। पेंडुलम वाली घड़ी आप पश्चिम में लगानी चाहिए, लेकिन दूसरी घड़ियाँ जो हैं वो आप पश्चिम दिशा में नहीं लगाएं, नहीं तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वास्तु के अनुसार घड़ी पूर्व या फिर उत्तर दिशा की दीवार पर लगाई जानी चाहिए। दोस्तों, जो वास्तु के अनुसार आपको शुभ लाभ और उन्नति प्रदान करेगी। इस दिशा में घड़ी लगाने से आपके भाग्य में कई प्रकार के बदलाव आएंगे। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि घर में नए साल पर कैलेंडर किस तरह का हो।
दोस्तों जो लोग समय के साथ चलते हैं, साल 2021 का आगाज होने में थोड़ा ही समय बचा है। बीत चुके साल के बाद नए वर्ष की शुरुआत होती है और आप उसी के हिसाब से अपना भविष्य भी संवारने की कोशिश करने लगते हैं, जिसका शुभारंभ होता है नए साल का पुराना कैलेंडर उतार कर नया कैलेंडर लगाने से। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि नए साल पर कैसा कैलेंडर घर लाएं और किस दिशा में लगाएं। घर हो या व्यावसायिक स्थान, कैलेंडर को हमेशा उत्तर, पश्चिम या पूर्वी दीवार पर लगाने से गुड लक आता है। सुंदर चित्रों वाला कैलेंडर लगाएं जिसे देखकर मन प्रफुल्लित और शांत हो, बजाय कि हिंसक जानवर और दुखी चेहरे आदि। ऐसी तस्वीर न तो देखने में अच्छी लगती है और दूसरा घर में नकारात्मकता बढ़ाती है। कैलेंडर पर हमेशा दोस्तों ऐसी ही तस्वीर लगाएं जो तस्वीर देखने में सुंदर हो और मन को शांति और सुकून प्रदान करें। कभी भी कैलेंडर पर हिंसक जानवर, हथियारों और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाले किसी भी प्रकार की वस्तु का फोटो नहीं होना चाहिए। दोस्तों कुछ लोग नया कैलेंडर तो लगाते हैं मगर पुराने कैलेंडर के ऊपर लगा देते हैं, क्योंकि पुराने कैलेंडर से उन्हें भावनात्मक लगाव हो जाता है, जिस वजह से वो उसे उतारते नहीं हैं। फेंगशुई और वास्तुशास्त्र की माने तो पुराने कैलेंडर को दीवार पर लगाना अशुभता का संचार करता है। कैलेंडर नए साल में आने वाले वक्त की सूचना देता है। समय सूचक वस्तुओं को दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो ठहराव की दिशा है। पारिवारिक सदस्यों के जीवन में आने वाले गुड लक को बैड लक में दक्षिण दिशा बदल देता है। घर के मुखिया के व्यक्तित्व और स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। पूर्व दिशा में कैलेंडर लगाने से पारिवारिक सदस्य उन्नति की राह की ओर अग्रसर होते हैं। यदि कैलेंडर रेड और पिंक कलर का हो तो सोने पर सुहागा होता है। दोस्तों उत्तर दिशा जो है, उत्तर दिशा पर कुबेर का स्वामित्व स्थापित है, अतः इस दिशा से धन का आगमन होता है। घर में धन के प्रवाह के लिए इस दिशा में कैलेंडर अवश्य ही लगाएं। हरे व सफेद रंग का कैलेंडर इस दिशा के लिए लकी है। पश्चिम दिशा में कैलेंडर लगाने से किसी भी तरह के रुके हुए काम जल्दी और शीघ्र हो जाते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का अवरोध हो वो जल्दी ही समाप्त हो जाता है। पश्चिमी दिशा प्रवाह और उत्थान की दिशा है। इस दिशा में कैलेंडर लगाने से किए गए काम फलते फूलते हैं और योग्यता भी बढ़ती है। दोस्तों घर के मुख्य दरवाजे पर या दरवाजे के बिल्कुल सामने कैलेंडर मत लगाएं, क्योंकि ये घर में प्रवेश करने वाली ऊर्जा पर अपना प्रभाव डालता है। हवा का झोंका आने से कैलेंडर उड़ना नहीं चाहिए, उसे अच्छे से चिपका कर लगाएं। हिलता डुलता कैलेंडर नकारात्मकता फैलाता है। तो दोस्तों अब आप लोग घड़ी और कैलेंडर के बारे में सही से जानकारी जान गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप अभी लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये जानकारी पहुँचे। दोस्तों इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री राम लिखकर भेजें, हमें बेहद ज़्यादा खुशी होगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो उसकी सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। आप सबको नए साल की शुभकामनाएं। जय श्री राम।